तो दोस्तों मैं चल के बॉर्डर की तरफ ही जा रहा हूँ, आगे बॉर्डर। और तो दोस्तों हमारा रशिया के साइड से हमारा कस्टम हो चुका है। दोस्तों जय जगन्नाथ, स्वागत करते हो एक नए ब्लॉग पे। लास्ट वीडियो में आपने देखे थे कि मोनेस्ट्री घूम के मैं जा रहा था लैंड बॉर्डर की तरफ, मंगोलिया लैंड बॉर्डर की तरफ। मैं उसी रास्ते पे हूँ, ऐसा कुछ जगह है, यहाँ से मैं लैंड बॉर्डर की तरफ के लिए मैं हिचहाइकिंग कर रहा हूँ और रशिया के लास्ट पार्ट है। बट यहाँ से आपको लगेगा ही नहीं कि मैं रशिया में हूँ, मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं रशिया में हूँ, क्योंकि ये जो लैंडस्केप आप देख रहे हो ये पूरा मंगोलिया का लैंडस्केप है। और मैं जो मॉन्स्ट्री में गया था वो हो रहा है, वो मॉन्स्ट्री बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बाकी और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आपको एक या दो वीडियो के पहले मैं बताया था, आपको शेयर किया था कि लैंड बॉर्डर कौन सा क्रॉस करना चाहिए। एक्चुअली मैं जब क्रैशनास में था मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि मैं कौन से लैंड बॉर्डर क्रॉस करूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ, रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसके साथ 129 लैंड बॉर्डर है इसका। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं कौन सा लैंड बॉर्डर क्रॉस करके मैं मंगोलिया की तरफ जाऊँ। बहुत सारे लैंड बॉर्डर है, इस लैंड बॉर्डर से आप मतलब कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर इंटरनेशनल विजिटर क्रॉस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मंगोलिया और उसका जो मतलब नेबर कंट्री है, पास वाला कंट्री है, वही क्रॉस कर सकते हो। और इंटरनेट पर पूरा मेंशन नहीं था, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। तो मैंने क्या किया, जो मंगोलिया के काउसर पर थे, बहुत सारे काउसर पर थे, उनसे मैंने पहले होस्टिंग का रिक्वेस्ट भेजा, उनसे मैंने बातें किया, कंफर्म किया, तब जाके मैंने कंफर्म किया कि हाँ सामने एक लैंड बॉर्डर है। और उनसे उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि अब इस लैंड बॉर्डर से आप क्रॉस कर सकते हो। और ये आपके लिए बहुत एक बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि आप कभी भी अगर रशिया आ रहे हो और बाई लैंड बॉर्डर आप क्रॉस करना चाहते हो, कौन सा लैंड बॉर्डर आप क्रॉस करोगे, तो उसके लिए इंटरनेट पर वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। दोस्तों ये है लैंड बॉर्डर, लैंड बॉर्डर का नाम है ख्यागत लैंड बॉर्डर, ये है रशिया के साइड में। उस टाइम है उस साइड में है मंगोलिया साइड में अल्तानबग लैंड बॉर्डर। इस लैंड बॉर्डर के थ्रू आप क्रॉस कर सकते हो, अगर आप इंटरनेशनल विजिटर हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से आप लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। तो बाकी यही है, मैं शुरू कर दूँ अपने हिचहाइकिंग आज का। और यहाँ से अराउंड जो लैंड बॉर्डर है, ख्यागत लैंड बॉर्डर है, वो है अराउंड 233 किलोमीटर। तो होप करता हूँ जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं कैसे लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ और एक क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है, क्या क्या क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है और क्या क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर मांगते हो तो क्या मांगते हैं, ये सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कम ट्रैवल, स्पासिवा, दिन का पहला लिफ्ट मुझे मिल गया है, थैंक यू इंजन आपको, थैंक यू स्पासिवा। Where are you from? I'm from India. You're going to Sudan? Huh? You're going? Yeah. एक जलवा हो चुका है, चमत्कार हो गया, आधा घंटा खड़ा हो और मुझे मिल गया मंगोलिया के टिकट। बहुत ज़्यादा खुश लग रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत, एक महीने बहुत मेहनत करके मैंने पूरा रशिया ट्रैवल किया। होप कर रहा हूँ आपको पूरा सीरीज अच्छा लग रहा होगा। और अब मैं जा रहा हूँ दूसरा कंट्री ना, इस ट्रिप का कंट्री नंबर 3 है, पहला था कजाकिस्तान, रशिया अभी कंप्लीट कर रहा हूँ एंड देन मंगोलिया पहुँच जाऊँगा। थैंक यू इंजन आपको, मंगोलिया में आ रहा हूँ। दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ ख्याग बॉर्डर के पास, ये कुछ एंडिंग पॉइंट है रशिया का। और सामने आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, एक सेकेंड, वो लैंड बॉर्डर से गाड़ी लाइन पे लगा है, वो सामने लैंड बॉर्डर ख्याग बॉर्डर। और मुझे अभी मुझे बस पता करना है कि मुझे चल के जा सकता हूँ या किसी गाड़ी के सहारे मुझे जाना पड़ेगा, बस इतना पता करना है। तो बाकी मैं बैग यहाँ से उठा लेता हूँ और इन्होंने मुझे लास्ट तक मुझे लिफ्ट दिया है, थैंक यू स्पासिवा। Не, спасибо. Давай. Thank you so much. Счастливо доехать. Да.
बैग। सो दोस्तों मैं चल के बॉर्डर की तरफ ही जा रहा हूँ, आगे बॉर्डर, और यहाँ पे कैमरा बंद कर देता हूँ, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं कुछ किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं चाहता। जो भी एक्सपीरियंस होता है आपको बताते, मैं कैमरा भी बंद कर देता हूँ दोस्तों। सो दोस्तों मैं सामने जो बॉर्डर कंट्रोल है वहाँ से मैंने ऑफिसर से पूछा, तो उन्होंने बोले कि आप पैदल क्रॉस नहीं कर सकते, तो आपको किसी भी तरीके की गाड़ी लेके क्रॉस करना पड़ेगा बॉर्डर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस बॉर्डर से आ रहे हो तो पैदल क्रॉस नहीं कर सकते, किसी भी तरीके गाड़ी से रिक्वेस्ट करो। मैं भी गाड़ी पे लाइन लगाए, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, बोले ठीक है अंदर आ जाओ, और मेरे पास ये पासपोर्ट है बस, तब क्रॉस करेंगे, गाड़ी के थ्रू ही क्रॉस करना पड़ेगा। और एक चीज़, आप अगर इस खैक बॉर्डर से क्रॉस करोगे तो पूरा रास्ता रेगिस्तान और जंगलों से भर रहा है। कभी आओगे तो दिन में ही क्रॉस करना, याद रखना, दिन में ज़रूर क्रॉस करना, रात को इवनिंग को क्रॉस मत करना बॉर्डर, बहुत ही रात को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को। बाकी जो भी अपडेट होता है धीरे धीरे आपको बता दें, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा जो भी मेरे साथ होता जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों हमारा रशिया के साइड से हमारा कस्टम हो चुका है, इस साइड है, अभी हम सामने एग्जिट टाइम लगेगा रशिया से, एंड उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे मंगोलिया के साइड में। चलते आइए, तरफ बहुत मेहनत हो गई क्योंकि बहुत सारा सामान ये लोग लेके आए, हमने उठाए सब मिलके, पूरा सामान भर पड़े। एक्चुअली ये लोग मंगोलिया में इन लोगों का शॉप है, रशिया से खरीद के लेके जाते हैं, सस्ता में मिल जाता है। पूरा गाड़ी पूरा भरे पड़े माल से, मतलब जो भी सामान है। तो बाकी चलते आगे की तरफ। सो दोस्तों फाइनली मेरा एंट्री हो चुका है मंगोलिया में, अभी मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ वेलकम टू मंगोलिया। और क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या रहा, मैं आपको बताऊँगा बाद में एक जगह फ्री होके। तो यहाँ से मैंने, ये मंगोलिया का है, मैंने यहाँ से एग्ज़िट कर लिया। तो दोस्तों शाम का 8 बज चुका है और मैं शहर से बाहर आ चुका हूँ, बॉर्डर से अराउंड मैं 24 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ चेक करके। और मैं अभी जाऊँगा यहाँ से 257 किलोमीटर जहाँ पर मुझे एक होस्ट मिला है। तो होप करता हूँ, नहीं लग रहा क्योंकि इतना मुझे आइडिया बन रहा है मुझे कि यहाँ पर टफ होगा, मंगोलिया में हिचाइकिंग बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो ऐसा कुछ लैंड्स के बाद का पहला दिन है हिचाइकिंग का मंगोलिया में। सो अगेन सबको बोलूँगा कि वेलकम टू मंगोलिया। शहर से थोड़ा दूर चल के आ चुका हूँ हिचाइकिंग के लिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आज, सच बताओ बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सो जाओ बस। बाकी दोस्तों मैं एक जगह आराम से बैठ के कैमरा एक्सपीरियंस रहा है इमिग्रेशन का, मैं बता पाऊँगा आपको, नो प्रॉब्लम। आप जहाँ तक जाएंगे मैं आपको बोल दूँगा, वहाँ मुझे उतार देना बस। ओहो मच्छर भाई, पिछले 10 मिनट हो गए मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बट इनको समझ में नहीं आ रहा ट्रांसलेट, बहुत दिक्कत है भाई मंगोलिया में, इनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ फिर भी नहीं। ये बस है आवाज को ना पे ना जो कुछ पर सा आवाज को चमक। ओके थैंक यू टैग है भाई, फाइनली क्या समझा पता नहीं उनसे, मेरे पास सिम कार्ड भी नहीं है उनका, हॉटस्पॉट लेके मैं उनसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बट इनको समझ में नहीं आया। जो भी है हाँ बोल दिया, मैं मैप देखता रहूँगा, जहाँ से वो मुड़ जाएंगे वहाँ से मैं चला जाऊँगा। चलते हैं पहले, स्पसीबा। भाई पैसे ना मांग ले, मैं इनको बोला कि पैसे नहीं है मेरे पास, अगर पैसे के बारे में बोलेंगे तो गर्नी बन जाऊंगा भाई, ऐसा सुनते ही मेरे को चक्कर आता है। दोस्त आपको क्या बताओ, इस भाई ने, मेरा भाई जा रहे मुझे 2 मिनट गाड़ी में बिठा के आगे यहाँ पर आके बोल रहे हैं, मैं तो घर आ गया मेरा, और मेरे को इतना टाइम, मतलब 15 से 20 मिनट मुझे लगे ट्रांसलेट करने में,
और यहाँ पे मैं चल के भी आता ना मुझे 5 मिनट लगता। मुझे बड़ा हंसी आ रहा है मेरे ऊपर। इन्होंने मुझे ट्रांसलेट भी बताया कि मैं आगे 180 किलोमीटर के आसपास जाऊँगा। चलो जो भी है, बट यहाँ पर जो गूगल मंगोलियन ट्रांसलेटर जाकर गूगल में अगर ट्रांसफर करोगे और मंगोलिया का जो लैंग्वेज है वो गूगल ट्रांसलेटर इतना अच्छा काम नहीं करता जो मुझे पता चला, तो बहुत ही टफ रहने वाला है मंगोलिया। जो भी है ये भी एक्सपीरियंस है। चलते हैं, यहाँ पर एक कैफ़े के पास छोड़ दिया, बोल रहे मैं तो मेरा तो घर आ गया। चलो चलो जो भी है, चलते हैं। हमारा ज्ञान तो क्या बोलते हैं उसको, बन जा रहे लोग हैं, देखते रास्ते में कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। उस तो रात का टाइम है 2 बजे और मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ, मेरा तो डेस्टिनेशन है। बट मेरा जो होस्ट भाई साहब है वो ऑब्वियसली 2 बज गए तो ऑब्वियसली सो जाएंगे। उनको कॉल किया बट नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और व्हाट्सएप में भी ऑब्वियसली व्हाट्सएप भी बंद है। तो अभी मैं ये वाला एक छोटा सा कैफ़े, इसी के अंदर मैं बैग वगैरह रख दिया हूँ और अंदर 2 मोहतरम आए, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं क्या मैं आगे यहाँ पर कैंप लगा सकते, बोले कि देखो मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और मेरा जो ओनर है, मेरा जो मालिक है, आप वो अलाउ नहीं करेंगे, तो आप प्लीज़ चाहो तो अंदर बैठ सकते हो। तो मैं बस अंदर बैठा ही हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने बैग वगैरह रख दिया था, ये पावर बैंक में चार्ज में उठा दिया, दैट्स इट। मेरा बैग और मैंने यहाँ पर रख दिया। थैंक यू इन दोनों मोहतरमा को, इन्होंने मुझे अलाउ किया इसके अंदर बैठने के लिए। तो अगर आधा शायद यहाँ पर मुझे बैठना पड़ेगा और सुबह होती है तो जब उठ जाएंगे मेरे रोज पैसा, उनसे मैं कॉल करके बात कर लूँगा और वहाँ पर चला जाऊँगा। बाकी यही है, स्ट्रगल जारी है और सब कुछ। कैफे सर। दोस्तों गुड मॉर्निंग, और मेरा ये मेरा होस्ट जया, हेलो। सो स्पेसिबल सोए पीछे वो रहा, कल रात में जहाँ पर बैठा था, क्या बताऊँ दोस्तों, मतलब यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर इतना हो रहा है, लोगों को रशियन में नहीं आता यहाँ पे, और इंग्लिश तो दूर की बात है, मैं ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ बट लोग पता नहीं क्या समझ में नहीं पा रहे, क्या सीन हो रहा है। तो भाई मैं पहुँच गया मेरे होस्ट के रूम पे, तो अब बात करते हैं मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस मंगोलिया का, मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब कजाकिस्तान से लैंड बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा था, मैं एंट्री ले रहा था रशिया में, तो मैंने अब एक चीज़ बताना भूल गया था। जब इमिग्रेशन करते हो इमिग्रेशन के टाइम, वहाँ उस टाइम एक आपको माइग्रेशन कार्ड मिलता है रशिया के साइड में, तो माइग्रेशन कार्ड मैंने आपको बताना भूल गया था उस वीडियो में, अभी वो वीडियो में चेक कर रहा था, देखा मैंने ये चीज़ बोलना भूल गया। तो कल मैं जब एग्जिट स्टाम्प लग रहा था रशिया से, तो उस टाइम उन्होंने मुझे माइग्रेशन कार्ड कहा है, तो मेरे पास वो था, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मैं वो उस टाइम मैं आपको बोलने पे गलती हो गया मेरे से। तो वो माइग्रेशन कार्ड आपको जैसे भी करके आपको रखना है, अगर वो आप खो दोगे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। जब आप एग्जिट करोगे रशिया से तब आप वो माइग्रेशन कार्ड आपको दिखाना होता है और वो लोग वो रख लेते हैं। तो रशिया से बस कुछ नहीं पूछे कि रशिया से इतना मुझे एक क्वेश्चन पूछे कि अब मंगोलिया के बाद आप कहाँ जाओगे, तो मैंने बोला मैं आगे जाओ, मैं ऐसे ही चलता जाऊँगा, मतलब स्माइल करके ठीक है कोई बात नहीं, स्टैम्प कर दिया। और जब मैं मंगोलिया की तरफ आया तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा दिखाओ, ठीक है।
तो नेक्स्ट कंट्री का मैंने वीज़ा देखा है, मेरे पास नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा था, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि इमिग्रेशन का और उन्होंने मुझे बोल देख के बोल दिया कि वेलकम टू मंगोलिया। दोस्तों मुझे इतना समझ में आ गया कि अभी जैसे कि किसी भी कंट्री को आप क्रॉस कर रहे हो लैंड बॉर्डर के थ्रू, तो वो लोग नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा मांगते हैं या तो आपका जो आप जो होम कंट्री है उसका फ्लाइट टिकट दे दो, दोनों चीज़ ज़रूरत है। मेरे पास नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा था, मुझे फ्लाइट टिकट की कोई ज़रूरत नहीं था। तो बहुत ही सिंपल सा रहा ये मेरा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो बाकी होप करता हूँ पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा और पूरा और यहाँ से मैं तो ऑलरेडी मंगोलिया में आ चुका हूँ और ये है लास्ट वीडियो रशिया का। होप करता हूँ पूरा सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा शिद्दत से कोशिश किया कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए, इतना मोरे से हो सका। मैं बजट ट्रैवलर हूँ आपको पता है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त और फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। एक लाइक एक शेयर और एक कमेंट जरूर से कर देना, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेगा मंगोलिया एक्सप्लोर करते हुए, तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है नेक्स्ट व्लॉग से, बहुत एडवेंचर। आपको पता है कि मंगोलिया बहुत ही यू नो रॉ है और पूरा रेगिस्तान है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। बाकी दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।